है आज का ताजा मुद्दा। ट्विटर पर आधी रात भिड़े दो राज्यों के सीएम। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच का माहौल भी गर्माता जा रहा है, जिसमें हर कोई आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सोमवार रात भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग हुई, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं केजरीवाल ने पीछे ना रहते हुए पलटवार किया। एक तरफ सीएम योगी ने सुनो केजरीवाल कहा, तो दूसरी ओर से दिल्ली के सीएम ने भी सुनो योगी करके ट्वीट किया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के जवाब को लेकर केजरीवाल के बयान की निंदा की, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना काल के प्रवासियों को लेकर जो बातें कही उसे झूठा करार दिया। केजरीवाल ने पीएम के बयान का वीडियो साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा, देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोग के बारे में ही कहा है कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चबेना। इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चे व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसे अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया, आपको मानवता द्रोही कहें या। तीसरे ट्वीट में सीएम योगी ने कहा, बिजली पानी का कनेक्शन काटा व सोते हुए लोगों को उठा उठा कर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। अनाउंसमेंट कर कहा गया कि आनंद बिहार के लिए बसें जा रही हैं, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस लाई। केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया और कहा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान दिल्ली की सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गाड़ी घुमा करके लोगों से कहा कि संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों के लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। इस वजह से यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपने लपेटे में ले लिया। उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। बता दें कि यूपी व दिल्ली के सीएम के बीच ट्विटर वॉर में कांग्रेस भी कोई मौका न छोड़ते हुए इस जुबानी जंग का हिस्सा बनने कूद पड़ी। पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने ट्वीट किया।